कुछ नरमी हो। तो इतकाफ़ इबादत तो बहुत बड़ी है कि आदमी घर दर छोड़े, अपने अहलो याल से अलग हो, मस्जिद में जाकर डेरा लगा ले। ये सारे साल में भी आप कर सकते हैं, नफली इतकाफ़ भी आप कर सकते हैं, जब मौका मिले आप मस्जिद में बैठ सकते हैं। मेरी मस्जिद में वो कि टेलीफोन के डायरेक्टर थे, एक महीना पूरा, एक साल वो बैठे थे रमज़ान के अलावा, बैठ सकते हैं। एक साल रमज़ान का भी उन्होंने पूरे का किया। तो एक इतकाफ़ तो मुस्तहब है कि शौक से आप करना चाहते हैं, ये जब चाहे करें, जितना चाहे कर लें। दूसरा इतकाफ़ मसनून है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी 10 या 9 दिन जो है ये इतकाफ़ किया, और एक साल अगर रह गया किसी ज़रूरत की वजह से तो आपने शव्वाल में फिर उसकी कज़ा कर ली। ये मसनून इतकाफ़ है। एक वाजिब इतकाफ़ भी होता है, जैसे और चीज़ों की मन्नत आप मान सकते हैं कि मैं इतने नफल पढ़ूँगा, इतनी खैरात करूँगा। इस तरह अगर कोई शख्स मन्नत मान ले कि अल्लाह मेरा ये काम करे तो मैं इतने दिन इतकाफ करूँ, वो फिर वाजिब हो जाता है, वो तो लाजम है ना, पूरा करना ही पड़ता। ये मसनून जो इसका सवाब अगर कोई नहीं बैठता गुनाह नहीं, वो वाजिब जो है नज़र है वो तो पूरी करनी पड़ती। तो थोड़े दिनों का इतकाफ जो कर सकते हैं लोग, उन्हें भी इससे महरूम नहीं रहना चाहिए। यह तो बहुत अच्छा है ना कि वो 10 दिन ही बैठे, मगर अगर किसी शख्स को इतनी तौफीक नहीं, उसकी ज़रूरियात ऐसी हैं, तो एक आध दिन, 2-3 दिन भी बैठ जाए तो महरूम नहीं रह गया इंशाल्लाह, उतने दिनों का तो उसको अजर मिलेगा ही, कम अज़ कम एक दिन का होना चाहिए। ये बाद मसाजिद में लिखा होता है नवायत तो सुन्नत अल इतकाफ़ के, जब मस्जिद में दाखिल इतकाफ़ की नीयत कर लें आप, एक घड़ी की कर लें, ये नहीं बात साहब, कम अज़ कम इतकाफ़ जो हदीस है साहब एक दिन का तो है ना, कि सुबह से लेकर शाम तक आप बैठें रोज़ा रखें। ये इतकाफ़ कम अज़ कम, ज़्यादा जितने